नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम आप बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की एमपी स्पेशल की। दूसरा पार्ट आ गया। आपको बता दें ये एमपी पीएससी और मध्य प्रदेश के अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश को 1956 से पहले किस नाम से जाना जाता था और कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थीं। 1847 से 1956 तक सीपी बसर मतलब सेंटर फॉर विमेंस एंड बरार स्टेट ए बोला जाता था इसका। इसकी राजधानी थी नागपुर। इसमें शामिल रियासतें छत्तीसगढ़ और बघेलखंड। दूसरा था मध्य भारत स्टेट बी, इसकी इसकी राजधानी रही है ग्वालियर इंदौर। पश्चिम की रियासतें इसमें शामिल थी। तीसरा था हमारा विंध्य प्रदेश स्टेट सी, इसकी राजधानी रही है रीवा। उत्तर की रियासतें इसमें शामिल थी और भोपाल स्टेट जिसकी राजधानी रही भोपाल। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया फजल अली खान की अध्यक्षता में। इसी की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में के आधार पर भारत में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। इसमें गठन के समय 8 संभाग थे, 43 जिले थे। और इसमें कौन कौन से शामिल किए गए थे स्टेट ए बी सी और भोपाल में से, वो भी देख लीजिए। आपको बता दें यहाँ की बुल्डाना अकोला अमरावती यवतमाल वर्धा नागपुर भंडारा चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में शामिल किया गया था और शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। मंदसौर की जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल ठप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में मिलाया गया था और शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। पार्ट सी की बात करें तो विंध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। भोपाल राज्य को भी वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बनाया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1972 को दो नए जिले एमपी में जुड़े गए, भोपाल सीहोर से अलग करके और राजनंद दुर्ग से अलग करके। टोटल इसमें 45 जिले हो गए एमपी। फिर 25 मई 1998 को बात करते हैं, बीआर दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बना और 10 नए जिले जोड़े गए। बड़वानी श्योपुर कटनी डिंडोरी ये एमपी में 4 जिले जुड़े गए और बाकी के 6 जिले छत्तीसगढ़ के थे। टोटल 10 जिले जोड़े गए थे और अब टोटल 55 जिले हो गए। 10 जून 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले और जुड़े गए जिसमें शामिल थे उमरिया हरदा नीमच एमपी के और 3 छत्तीसगढ़ के। अब यहाँ टोटल जिले हो गए 61 मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं 1 नवंबर 2000 को, इस समय यहाँ के एमपी के सीएम थे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन किया गया। तो आपको बता दें 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, 16 जिले इसमें शामिल रहे एमपी के। मध्य प्रदेश में 9 संभाग 45 जिला रह गए, 16 जिला को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। 15 अगस्त 2003 को बोस समिति ने 3 नए जिले के आधार पर 3 नए जिले जोड़े गए। इसमें शामिल थे बुरहानपुर खंडवा अनूपपुर शहडोल अशोकनगर गुना से अलग करके। बुरहानपुर किया गया था खंडवा से, अनूपपुर किया गया था शहडोल से और अशोकनगर किया गया था गुना से, ठीक है। 15 अगस्त 2003 को आगे देखते हैं। 17 मई 2008 की बात करें तो 2 नए जिले जोड़े गए, अलीराजपुर सिंगरौली। और 16 अगस्त 2013 में आगर मालवा नया जिला बनाया गया साजापुर को अलग से अलग करके। 8 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया नेवाड़ी 52 जिला 52। वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो संभाग 10 है, इसमें जिले 52 है। चलिए अब संभाग की बात कर लेते हैं। इसमें 10 संभाग हैं। कौन कौन से जिले हैं, जबल फर्स्ट संभाग देखते हैं जबलपुर। आपको बता दें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर में है। जबलपुर संभाग का मुख्यालय है जबलपुर। इसमें शामिल हैं डिंडोरी जिले, डिंडोरी
छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट। दूसरा है संभाग इंदौर। इंदौर का मुख्यालय है इंदौर संभाग का, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। इसमें शामिल है इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन। तीसरा है हमारा भोपाल संभाग, इसका मुख्यालय है भोपाल। इसमें शामिल जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। अगला है ग्वालियर, इसका मुख्यालय है ग्वालियर। इसमें शामिल जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया। अगला हमारा संभाग है रीवा, इसका मुख्यालय है रीवा। इसमें शामिल जिले हैं रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। अगला संभाग है उज्जैन, इसमें शामिल इसका मुख्यालय है उज्जैन में। इसमें शामिल जिले हैं नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम, देवास, शाजापुर। अगला हमारा संभाग है सागर, इसमें शामिल जिले हैं सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। अगला हमारा संभाग है चंबल, सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है चंबल। इसमें शामिल जिले हैं भिंड, मुरैना, शिवपुर। अगला हमारा है नर्मदापुरम, इसका मुख्यालय होशंगाबाद में। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। इसमें जिले कौन कौन से हैं नर्मदापुरम में? होशंगाबाद, हरदा, हरदा, बैतूल, ठीक है, तीन जिले इसमें शामिल हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। आगे बात करते हैं, अगला संभाग है हमारा शहडोल। शहडोल की बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। वो इसका गठन किया गया था 14 जून 2008 को। इसमें शामिल है उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, तीन जिले शामिल हैं। शहडोल इसका मुख्यालय है इस संभाग का। चलिए दोस्तों, तो हमने संभाग भी देख लिए, राज्य पुनर्गठन देख लिया, राज्य का पुनर्गठन। अगले थर्ड पार्ट में हम मध्य प्रदेश के हर जिले का क्रम बाई क्रम देखेंगे, कहाँ क्या है, ठीक है दोस्तों। थर्ड पार्ट कुछ ही पलों में आ ही जाएगा। पढ़ लीजिए दोस्तों, MPPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा।